हेलो एवरीवन, स्टडी ऑल इन वन में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं पीएसपीसीएल एलडीसी लॉ डिवीजन क्लर्क की जो परीक्षा हुई थी 31 दिसंबर 2019 को, उसमें जो क्वेश्चन आए थे वह हम करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा, रमन मैक्स से अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? ये दिया जाता है पब्लिक सर्विस में, जर्नलिज्म में और कम्युनिटी लीडरशिप में। कैंसर डे जो कि 7 नवंबर को मनाया जाता है, नेशनल कैंसर डे होता है जी। ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है मैरी क्यूरी से। मैन एंड वुमेन हॉकी ओलंपिक क्वालिफाई मैच कहाँ पर हुआ था? जो हुआ था भुवनेश्वर में। फर्स्ट टाइम इंडिया में जो कौन से ईयर में बिल्ट हुआ था? एक जे आया था। लार्जेस्ट थर्मल प्लांट कौन सी स्टेट में है? तो यह मध्य प्रदेश में, जिसका नाम है विध्यांचल। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2018 किसको दिया गया है? ये दिया गया था सर विलियम मार्क टुल्ले को। रंगास्वामी ट्रॉफी किस गेम से रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है हॉकी से। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के कौन से स्टेट में है? जो है केरला में। आर के स्वामी बिलोंग टू विच स्टेट? कौन सी स्टेट से संबंधित हैं? जो संबंधित हैं तमिलनाडु से। तो नेक्स्ट था हमारा, द फर्स्ट डैम इन इंडिया कालिनी डैम है जो कि कावेरी नदी पर है, इसमें आया था भी कौन सी ईयर में है? उसका हमें मालूम नहीं है, तो सर्च कर लेना। फर्स्ट इनफॉर्मल समिट हुई थी जो इंडिया और चाइना की, ये कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी वहाँ में। हेमिस फेस्टिवल है जो कौन से स्टेट का है? ये है लेह लद्दाख का। नत्यांजलि डांस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन कौन सी स्टेट में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। कल्पना चावला की बायोग्राफी किसने लिखी थी? ये लिखी थी जीन प्यारी हैरिसन ने। एक आया था पेंच नेशनल पार्क है जो, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो आगे थे हमारा